नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये एक ट्विटर है और ट्विटर हैंडल बेसिक शिक्षा एजुकेशन का है, जिस पर यह बताया गया है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है और आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त के महीने में होगी, आप देख सकते हो। अभी इस ट्विटर की क्या वास्तविकता है, क्या इसकी सच्चाई है जो यहाँ पे ट्वीट हुआ है, किसकी तरफ से हुआ है? बेसिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन विभाग से हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन से। एक चीज़ समझिए कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कार्यरत नहीं है, अब तो नया आयोग बनेगा, शिक्षा चयन सेवा आयोग बनेगा, ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि वो आयोग तो आपका गठित हो गया है, उसकी वेबसाइट वेबसाइट अंडर प्रोसेस में है, और ये जो आपका ट्वीट हुआ है ये ट्वीट भी ऐसा नहीं है कि कोई अनऑफिशियली है, ये ऑफिशियली ट्वीट हुआ है। लेकिन फिर भी एक बात यहाँ पे सामने आती है कि जब अभी उस वेबसाइट का पोर्टल अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, जब पोर्टल वहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आनी थी, उस पोर्टल पे आनी थी, यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से क्यों दिया जा रहा है? तो इसीलिए ये ट्वीट के माध्यम से दिया गया है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर चेक करोगे तो वेबसाइट के वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। इन्होंने एक चीज़ गलत लिख दिया है कि रिलीज्ड, ठीक है, ये अलग लिख दिया है कि रिलीज्ड हो गया है, और अभी हालांकि रिलीज़ हुआ नहीं है। हो सकता है कि शाम तक, या हो सकता है एक दो दिन में, या हो सकता है एक सप्ताह में, जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्यों ऐसा हुआ, इस सारी चीज़ों को एक बार समीक्षा करके मैं आपके सामने अवश्य लेके आऊँगा। लेकिन अभी एक चीज़ आपको बस इस इन्फॉर्मेशन को लेके चलना है कि भाई आपकी ये परीक्षा यूपी टेट की होनी ही है, और सबसे बड़ी बात है कि यूपी टेट ही लेते रहेंगे या सुपर टेट भी करवाएंगे। तो निश्चित रूप से जितना इंतज़ार आप लोग को है उतना ही इंतज़ार मुझे भी है। मैं खुद ही इन लोगों से परेशान हो चुका हूँ कि हर बार इनकी नई नियमावली होती है, नया कानून होता है, नया नियम होता है, और अब नया आयोग ही गठित कर रहे हैं, तो सुपर टेट आखिर कब आएगा? मैं आपको इतना बता दूं कि बच्चों, जो आपका यूपी टेट आएगा वो भी नए आपका जो पोर्टल है उसी पे आएगा, नया आयोग ही कराएगा, और जो आपका सुपर टेट है वो भी आपका नया आयोग ही कराएगा। तो अब यूपी टेट आपका पहले होगा और इसके जस्ट बाद आपका सुपर टेट होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये सब झूठा है, ऐसा है वैसा है। देखो, अभी मेरे पास भी कोई ऐसी प्रामाणिकता नहीं है, बस मैं प्रामाणिकता इस ट्विटर और गवर्नमेंट के वेबसाइट के आधार पे कह सकता हूँ, हालांकि वहाँ पे आया भी नहीं है। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि आने वाले 4-5 महीने आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लो, चाहे आप टेट क्लियर करना चाह रहे हो या फिर आप सुपर टेट क्लियर करना चाह रहे हो, आप सभी के लिए आने वाले 3-4 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसका कारण आपका 2024 का चुनाव है, तो ये आपके लिए नहीं, ये वो अपने लिए करेंगे, ठीक है। उनकी गर्ज पड़ी हुई है, क्योंकि इतना समझो कि जैसे अभी चुनाव के परिणाम आ ही रहे हैं, रिसेंट में आप देख रहे हो, इस हिसाब से तो उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि हाँ भाई, इस युवा वर्गों को परेशान नहीं करना है। और हमेशा से ही 2 वैकेंसीज चुनावी मुद्दा रहा है, एक बेसिक शिक्षा का और एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो ये दोनों ही वैकेंसीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और ये आपको समझ में आ जाएगा हाँ मेरी बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, क्योंकि तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत ही बोल सकते हो गुणवत्ता के साथ, या बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। अगर मेरे पास ऑथेंटिसिटी ना होती तो शायद मैं आपके सामने यहाँ पे आता नहीं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।